नमस्कार बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, मैं आपको माई ऑब्जर्वेशन बुक में काम करवा रही थी। माई ऑब्जर्वेशन बुक में पार्ट 8, पार्ट कौन सा करवा रही थी? पार्ट नंबर 8। तो पाठ का नाम क्या था? श्रीलंका का दांत उत्सव। श्रीलंका का दांत उत्सव। इस पाठ का मैंने आपको प्रश्न नंबर 4 तक करवा दिया है। आज मैं जो करवाने जा रही हूँ वो है प्रश्न नंबर 5। क्या है प्रश्न नंबर 5? क्या है प्रश्न? देखिए, नीचे कुछ क्रिया विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से वाक्य बनाइए। नीचे कुछ क्रिया विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से वाक्य बनाइए। तो क्रिया विशेषण शब्द क्या है? पहला क्या है? दूर। क्या है? दूर। तो दूर के लिए वाक्य हमने क्या बनाना है? प्रिया का घर मेरे घर से दूर है। प्रिया का घर मेरे घर से दूर है। तो सेकंड क्या है? धीरे धीरे। सेकंड क्या है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे के लिए वाक्य क्या बनाया है हमने? दादाजी धीरे धीरे चल रहे थे। दादाजी धीरे धीरे चल रहे थे। दूर, प्रिया का घर मेरे घर से दूर है। दादाजी धीरे धीरे चल रहे थे। और अब देखिए नेक्स्ट क्या है? तेज। नेक्स्ट क्या है? तेज। गीता तेज दौड़ती है। गीता तेज दौड़ती है। और नेक्स्ट क्या है? अचानक। क्या है? अचानक। अचानक बारिश शुरू हो गई। अचानक बारिश शुरू हो गई। और उससे नेक्स्ट क्या है? जल्दी जल्दी। क्या है? जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो बस निकल जाएगी। जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो बस निकल जाएगी। ठीक है, ये तो था आपका प्रश्न नंबर 5 जो कि पूरा हो चुका है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 पढ़ते हैं। नीचे दिए गए क्रिया विशेषणों को उनके भेद के अनुसार उचित तालिका में लिखिए। नीचे दिए गए क्रिया विशेषणों को उनके भेद के अनुसार उचित तालिका में लिखिए। ये देखो, नीचे दे रखे हैं, ऊपर इधर उधर शब्द दे रखे हैं, इनको लिखना है। प्रातः, दिन भर, अचानक, भारी, अन, अतः, केवल, पास, सामने, तुरंत, नृत्य, क्योंकि, शायद, लगभग, कुछ। ठीक है, अब इन शब्दों को 4 भागों में बांटना है। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। अब देखो स्थानवाचक में क्या आएगा? ऊपर। क्या आएगा? ऊपर। ऊपर स्थान है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कोई वो चीज़, मम्मी आपसे पूछती है कि बेटा वो चीज़ कहाँ पड़ी है, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी मम्मा पूछ सकते हैं आपसे, कोई घर का सामान के बारे पूछ सकते हैं, कपड़े वगैरह के बारे पूछ सकते हैं, तो आप उनको क्या जवाब दे रहे हो? ऊपर। ऊपर किस में आएगा? स्थानवाचक। आपने बोला है कि मम्मा ऊपर पड़ी है, ऊपर किस में आएगा? स्थानवाचक में। पास, ये भी स्थानवाचक में। इधर उधर, ये भी स्थानवाचक में। सामने, ये भी स्थानवाचक में। क्योंकि ऊपर भी स्थानवाचक है, पास भी हो सकती है वस्तु, इधर उधर बिखरी भी हो सकती है और सामने भी हो सकती है। ये सब किस में आएंगे शब्द?
स्थानवाचक में। अब देखो कालवाचक क्या है, कालवाचक में क्या आएगा, प्रातः सुबह का समय, प्रातः दिन भर, नृत्य प्रातः लिखोगे, दिन भर लिखोगे, नृत्य लिखोगे। परिमाण जिसमें अपने नाप तोलते हैं, लगभग, भारी, केवल, कुछ, लगभग, भारी, केवल, कुछ। रीतिवाचक अचानक, तुरंत, क्योंकि, क्योंकि, अतः। रीतिवाचक क्योंकि में क्या आएगा, बिंदी आएगी, लैको, क्योंकि, अचानक, तुरंत, क्योंकि, अतः। ठीक है, ये तो थे आपके स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। इसके बाद है आपके प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द पर गोला लगाइए तथा उनका भेद बताइए। वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द पर गोला लगाइए तथा उनका भेद बताइए। तपस्या अभी बाजार जा रही है, तपस्या अभी क्या है, क्रिया विशेषण, तो क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, क्या आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। वह वहां खड़ा है, वह वहां खड़ा है, तो क्या आएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हवा धीरे धीरे बह रही है, हवा धीरे धीरे बह रही है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्या नहीं आएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, चीता बहुत तेज दौड़ता है, चीता बहुत तेज दौड़ता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नदी का पानी कल कल करते हुए बहता है, नदी का पानी कल कल करते हुए बहता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लो, मैं आपको फिर से रिपीट करवा रही हूँ। प्रश्न नंबर 5, माई ऑब्जर्वेशन बुक में प्रश्न नंबर 5 पाठ है श्रीलंका का दांत उत्सव, पाठ संख्या है 8, पाठ संख्या है 8, श्रीलंका का दांत उत्सव, पाठ है 5। नीचे कुछ क्रिया विशेषण शब्द दिए हैं, इनकी सहायता से वाक्य बनाइए। वाक्य क्या है, दूर, दूर का बनाया है कि प्रिया, प्रिया ये जुड़ने की प्रिया, यही लिखना, नाम कोई और भी नाम लिख सकते हो। प्रिया का घर मेरे घर से दूर है। धीरे धीरे, धीरे धीरे का भी हमने वाक्य बना दिया है। फिर आगे है शब्द, तेज, अचानक, जल्दी जल्दी, सबके वाक्य मैंने बना रखे हैं। आप इस काम को जैसा मैंने करवाया है आप अपनी ऑब्जर्वेशन बुक में कर लेना। नोटबुक में काम कोई भी नहीं करोगे, जितना भी काम है अब अपनी बुक में से ही करोगे। और नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, प्रश्न नंबर 7, वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द पर गोला लगाइए और उसका भेद बताइए। क्रिया विशेषण शब्दों पर पहले गोला लगाना है, फिर उसका भेद बताना है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या है, श्रीलंका को सोने का द्वीप क्यों कहा गया है, विस्तार से समझाइए। ये करवाऊंगी आपको मैं प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं सिर्फ प्रश्न नंबर 7 तक ही मैंने काम करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत पढ़कर आपको कैसा लगा और क्यों लिखिए।
ये मैं करवाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बेटा काम करते रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।